स्टूडेंट्स, इंग्लिश में मैंने आपको ए टू एल तक कॉपी पे लिखवा दिया है, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप काम स्टार्ट करती हैं तो आपने डेट डालनी है, होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क, क्लास वर्क जब करवाती हूँ तो क्लास वर्क, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें है व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि इस अल्फ़ाबेट के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। जैसे ई के बाद कौन सा आता है, ई के बाद जैसे एफ आता है, ठीक है ना। अब बी के बाद क्या आता है वो आपने खुद फील करना है, जे के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, इसी तरह से जो अल्फाबेट दे रखे हैं इनके बाद आपका कौन सा अल्फाबेट आता है, ठीक है, वो आपने लिखना है। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने पेपर्स चेक किए, आपको पता है ना कि जब आप ये अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं बिग वाले, तो ये जो ये थ्री लाइंस होती है ना, इसमें आते हैं। जैसे आपने ई के बाद एफ़ लिखना है तो इस तरह से ये टच करेगा इसको। जैसे मैं मैथ में आपको बोलती हूँ ना कि टॉप एंड बॉटम टच होना चाहिए, अब पेपर्स में क्या किया हुआ था बच्चों ने, ऐसे ही किए हुए थे, मतलब कुछ नहीं पता था बच्चों को, या तो कईयों ने तो बस यहाँ तक किया और ऐसे कर दिया, या कईयों ने तो इसको इतना लंबा किया हुआ था। तो ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा लिखना है कि वो थ्री लाइंस तक टच करे, ना तो उसे ऊपर ना उससे बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है, और बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल करेक्टली। ये नहीं है कि आपके जो अक्षर है, जैसे मैंने पेपर चेक किए तो बच्चों को पता ही नहीं था, उनके यहाँ तो यहाँ टच कर रहे थे, यहाँ तक होने चाहिए, या उनके हवा में जा रहे थे ऐसे, उनको पता ही नहीं था कैसे करने, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो जो मैं आपको अल्फ़ाबेट्स करवा रही हूँ, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, ये जो आपकी थ्री लाइंस होती हैं यहाँ तक आती हैं, ठीक है, इधर तक नहीं जाते, और प्रॉपरली जहाँ जैसे मैंने आपको बनावट सिखाई है बिल्कुल वैसे बनाने, नीट एंड क्लीन, ठीक है। काम का मतलब होता है कि आपने सीखना है तो नीट एंड क्लीन सीखना है, ओके। तो आपने ये करना है, उसके बाद व्हाट कम्स बिफोर, यानी बी से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, बी से पहले क्या आता है बेटा, ए आता है ना, ठीक है, इस तरह से। और इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है फॉर्मेशन अच्छी बनानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि थ्री लाइंस है तो थ्री लाइंस तक टच होने चाहिए, और जो इसमें ए पड़ेगा, ए के अंदर जो ये लाइन पड़ेगी आपकी स्लिपिंग लाइन, ये भी इस तरह से इस लाइन के अंदर पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जैसे आप बनाएंगे पहले ऐसे बनाएंगे, फिर आप एक स्लांटिंग लाइन डालेंगे, कहीं तो ऐसे कर देते हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं होता ना। अब जब आप इसके अंदर स्लिपिंग लाइन डालेंगे तो ये जो दो लाइन है इसको टच करेगी, ऐसा नहीं होता कि जहाँ मन किया वहाँ आपने लाइंस लगा दी, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये जो है, जहाँ तक मैंने सिखाए हैं आपको, विदाउट डॉट्स जो हैं आ गए हैं, ठीक है, थीके? लेकिन फिर भी अगर कोई अल्फ़ाबेट आपको लगता है कि नहीं अभी अच्छे से नहीं आया, डॉट्स की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स वहाँ पर डॉट्स लगा के दे सकती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन मेक श्योर कि आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अल्फ़ाबेट्स को बनाना कैसे है, ठीक है। पेपर्स में बहुत मिस्टेक्स थी बच्चों की कि थ्री लाइन्स से ज़्यादा भी बढ़ रहे थे और ऊपर भी जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे, जहाँ मैंने वहाँ लिख रहे थे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जैसे अब बिफोर में आपने बिफोर वाले लिखने हैं, सोचना है कि एल से पहले क्या आता है, ठीक है, तो इस तरह से करना है। और इसमें पेरेंट्स एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे अब बी लिखा है तो बच्चा बी बोलेगा, बिफोर क्या क्या हो सकता है, बिफोर सिर्फ बॉल नहीं होता, बिफोर बैट, बिफोर बॉल, बिफोर बुक, ठीक है। तो जो भी बच्चे के माइंड से हैं उसको निकलवाना है। जब बच्चा चलो ए लिख रहा है कि बी से पहले ए आता है, तो सिर्फ ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने पूछनी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे के माइंड से चीज़ों को निकलवाना भी है आपने, ठीक है। अगर कोई वेजिटेबल या फ्रूट नेम उसको याद आता है कि इससे हो सकता है तो याद करवाओ, ठीक है। जैसे मैंने करवाए भी हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, तो वो सारा कुछ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मतलब बच्चों के माइंड से जो चीज़ें हैं वो निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत कुछ है, बस उस में से हमें उस
जो उसके माइंड में है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। और बार बार कह रही हूँ कि इसकी फॉर्मेशन में गलती नहीं करनी है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 3 लाइंस में आएंगे, प्रॉपर टच होंगे, ऐसा नहीं है जहाँ मन किया वहाँ लाइंस लगा दी। और सिमिलर मैथ का काम करेंगे तो भी आपने ऐसा नहीं है कि जब 2 डिजिट्स लिख रहे हैं तो उसको 2 डिजिट्स को आप एक ही बॉक्स में डाल दो, नो। 2 डिजिट्स हैं तो एक बॉक्स में एक ही डिजिट आता है, टॉप एंड बॉटम को टच करते हैं, तो नीट एंड क्लीन काम करना है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, बट नीट एंड क्लीन, ओके। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कि B4 और क्या क्या हो सकता है, L4 और क्या क्या हो सकता है, उससे पहले जो अल्फ़ाबेट है उससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंपाइल करना, मतलब अपनी कोशिश करनी है मैक्सिमम याद करने की, ठीक है। बच्चे के माइंड में बस निकालना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।